दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इस लेक्चर में हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की बात करेंगे, जिसमें भी हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस के थ्योरम नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी लेक्चर थे, जिससे पहले टोटल लेक्चर आ चुके हैं 13, और ये आपका वेक्टर स्पेस का 14 लेक्चर है, ठीक है। कौन सा लेक्चर है ये? 14 लेक्चर है। इससे पहले 13 जो लेक्चर थे उनमें हमने क्या थ्योरम नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस के सामान्य प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड थ्योरम, फिर उसके बाद वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस से रिलेटेड थ्योरम, और हमने लीनियर सम के बारे में बात की थी, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में हम अब क्या करेंगे कि दो वेक्टर सब स्पेस का डायरेक्ट सम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखिए, थ्योरम नंबर 9 को कंप्लीट करने से पहले हमें क्या डिफाइन करना है, हमें पता होना चाहिए कि उप समष्टियों का अनुलोम योगफल और पूरक उप समष्टि क्या होती है, ठीक भाई। इन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, उप समष्टियों का अनुलोम योगफल होता क्या है। तो देखिए, आपने एक वेक्टर स्पेस ले लिया V ओवर F, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस V ओवर F ले लिया और इसकी कोई दो सदिश उप समष्टियां ले ली, U ओवर F और W ओवर F, ठीक है। दो सदिश उप समष्टियां क्या कह लेंगे आपने, V ओवर U ओवर F और W ओवर F, ठीक है। आप देखिए, U ओवर F और W ओवर F क्या है, सदिश उप समष्टियां हैं V ओवर F की। तो आप क्या कह सकते हो कि U कैसा सेट है, U नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, और साथ के साथ U ओवर F खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है भाई। कहने मतलब है U क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है और U फिल्ड F पे क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे जो W है वो क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है और W फिल्ड एफ पर क्या बना रहा है, W फिल्ड एफ पर सदिश समष्टि बना रहा है, ठीक है भाई। ये तो आपकी सदिश उप समष्टि दी गई है, इस वजह से आपने लिखा है कि आप क्या कह सकते हो कि U और V क्या है, U और W V के क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है और फिल्ड एफ पे क्या बना रहे हैं, ये सदिश समष्टि बना रहे हैं। अब देखिए, आपको क्या डिफाइन करना है, आपको डिफाइन करना उप समष्टियों का अनुलोम योगफल या डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए, अगर आप वेक्टर स्पेस V ओवर F के, अगर आप वेक्टर स्पेस V ओवर F के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वेक्टर स्पेस V ओवर F के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को स्मॉल U और सॉरी कैपिटल U और कैपिटल W के किसी अवयव के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि V क्या कहलाएगा, U और W का अनुलोम योगफल कहलाए। दोबारा सुन लीजिए, अगर वेक्टर स्पेस V के प्रत्येक आर्बिटरी एलिमेंट को वेक्टर सब स्पेस U ओवर F और V ओवर F के अद्वितीय योग के रूप में अगर लिख सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि वेक्टर स्पेस V ओवर F क्या है, U और W का अनुलोम योगफल है, ठीक है भाई। और देखो, अनुलोम योगफल है तो इसको व्यक्त किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं V बराबर कैपिटल U प्लस कैपिटल W, ठीक है। इसके अनुलोम योगफल को व्यक्त करते हैं V बराबर कैपिटल U प्लस W, और डिफाइन किस प्रकार से करते हैं कि स्मॉल U प्लस स्मॉल W सच डेट स्मॉल U बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल U को और स्मॉल W बिलोंग्स करेगा कैपिटल W को, ठीक है। स्मॉल यू किसको बिलोंग करेगा, स्मॉल यू तो बिलोंग करेगा कैपिटल यू को और स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग करेगा कैपिटल डब्ल्यू को, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो चुकी है कि कोई अगर कि वेक्टर स्पेस के प्रत्येक आर्बिटरी एलिमेंट को यू और डब्ल्यू के यू और डब्ल्यू के किसी भी अद्वितीय अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो आप क्या कह सकते हो कि वी क्या है, यू और डब्ल्यू का अद्वितीय, सॉरी वी क्या है, यू और डब्ल्यू का अनुलोम योगफल है, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती हुई उप समष्टियों का अनुलोम योगफल, तो करना कुछ नहीं है, वेक्टर स्पेस V ओवर F के प्रत्येक आर्बिटरी एलिमेंट को अगर आप इस प्रकार से लिख पा रहे हो, U और W के किसी अद्वितीय अवयव के योग के रूप में दिखा पा रहे हो, ठीक है,
तो आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, कानूनों में ऊपर है। अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो ऐसा बोल सकते हैं यू और वी के अवयवों के योग, अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में अगर दिखा पा रहे हो या शो कर पा रहे हो, तो आप क्या कह सकते हो वी क्या है यू और डब्ल्यू का अनुलोम योगफल या डायरेक्ट समूह। अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गई उपसमष्टि को अनुलोम योगफल, पूरा उपसमष्टि देखो। अगर आप वी को यू और डब्ल्यू के डायरेक्ट समूह के रूप में दिखा पा रहे हो, कहने मतलब है वेक्टर स्पेस वी यू और वेक्टर स्पेस वी डायरेक्ट सम है यू और डब्ल्यू का, तो स्मॉल यू और स्मॉल डब्ल्यू क्या कहलाते हैं, पूरक उपसमष्टि कहलाती है। स्मॉल यू और सॉरी कैपिटल यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या कहलाती हैं, पूरक उपसमष्टि कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती हैं, दोनों उपसमष्टियाँ पूरक उपसमष्टि कहलाती है। ठीक है, तो आपकी दोनों डेफिनेशन हो चुकी। अब देखिए डेफिनेशन देख लीजिए उप समष्टि का अनुलोम योगफल। देखो माना V ओवर F एक सदिश समष्टि, माना V ओवर F एक सदिश समष्टि है। ठीक है, माना V ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है, तथा तथा U ओवर F W ओवर F तथा U ओवर F W ओवर F सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, सदिश समष्टि V ओवर F की, V ओवर F की कोई दो, V ओवर F की कोई दो सदिश उप समष्टियां हैं, सदिश उप समष्टियां हैं। क्या है, सदिश उप समष्टियां हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया आपको, U ओवर F और W ओवर F क्या मान लिया आपने, सदिश समष्टि, V ओवर F की कोई दो सदिश उप समष्टियां हैं। तब तब सदिश समष्टि, तब सदिश समष्टि V ओवर F, V ओवर F U ओवर F तथा U ओवर F तथा W ओवर F का, W ओवर F का अनुलोम योगफल कहलाती है, अनुलोम योगफल कहलाती है, अनुलोम योगफल कहलाती है यदि 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 V ओवर F के, V ओवर F के किसी स्वेच्छ अवयव को, V ओवर F के किसी स्वेच्छ अवयव को, V ओवर F के किसी स्वेच्छ अवयव को कैपिटल U ओवर F तथा कैपिटल W ओवर F के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त किया जा सके, अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त किया जा सके, अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त किया जा सके भाई। U V ओवर F, U ओवर F तथा W ओवर F का अनुलोम योग पर कहलाएगा यदि V ओवर F के किसी स्वेच्छ अवयव को U ओवर F तथा W ओवर F के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त किया जा सके। इसे इसे V बराबर कैपिटल U प्लस W या V डायरेक्ट सम है U और W से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, आपको कैसे करना है परिभाषित, डेट इज वी बराबर डायरेक्ट सम ऑफ यू प्लस यू और डब्ल्यू, यू प्लस डब्ल्यू बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू
सच डैट स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू और स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल यू तो किसको बिलोंग करेगा, स्मॉल यू तो बिलोंग करेगा कैपिटल यू को और स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा कैपिटल डब्ल्यू को। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई अनलॉन्ग यू कर गई। आप देखो पूरा बुक समझ लिया, यदि वी ओवर एफ यू ओवर एफ तथा यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है, डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है, अनुलोम योगफल है तो यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ तो यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ एक दूसरे की पूरक उपसमष्टियां कहलाती हैं, एक दूसरे की पूरक उपसमष्टियां कहलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे की पूरक उपसमष्टियां कहलाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको U प्लस डब्ल्यू से एडी के योग के रूप में दिखाना है तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, U प्लस डब्ल्यू के तौर पर दिखाया जा सके। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती होगी अनुलोम योगफल की और पूरा कर उप समझते थे। अब उसके बाद है आपकी नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 10.09, तो ये देखिए इसके बाद आपकी थ्योरम नंबर 10.09 है। तो इसमें करना क्या है आपको, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, ठीक है, और उसकी कोई दो सदिश उप समष्टियां दी गई है U ओवर F और W ओवर F, तो आपको शो करना है कि V ओवर F, U ओवर F तथा W ओवर F का अनुलोम योगफल होने के लिए आवश्यक है पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि V क्या हो, U और W का लीनियर सम हो और साथ के साथ दोनों सदिश उप समष्टियों का इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो से वेक्टर आ रहा हो या जीरो स्पेस आ रहा हो। ठीक है भाई, दोबारा से देख लीजिए आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है, एक तो वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है, ठीक है, साथ के साथ दो सदिश उप समष्टियां U ओवर F और W ओवर F की गई है। ठीक है, सदिश उप समष्टियां हैं U ओवर F और W ओवर F किसकी, V ओवर F की, तो आपको क्या दिया गया है कि U क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट और U ओवर F क्या है एक सदिश समष्टि है, इसी प्रकार W क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट और W ओवर F क्या है सदिश समष्टि है। ठीक है, तो आपको शो करना है कि V ओवर F U और W का डायरेक्ट सम होगा यदि और केवल यदि कि V क्या हो, U प्लस W हो और U इंटरसेक्शन W किसके बराबर हो, जीरो वेक्टर के बराबर हो, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका प्रूफ, देखो भाई आपको दिया गया है सबसे पहले एक सदिश समष्टि, ठीक है, तो दिया गया है V ओवर F एक सदिश समष्टि है। ठीक है, क्या दिया गया आपको, V ओवर F एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तथा U ओवर F व W ओवर F तथा U ओवर F व W ओवर F सदिश समष्टि V ओवर F की क्या है, V ओवर F की कोई दो सदिश उप समष्टियां है, कोई दो सदिश उप समष्टियां है। ठीक है भाई, आपको सदिश उप समष्टि दी गई है तो आप क्या में ये निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो U और V क्या है, U और V का सो U और W क्या है, V के नॉन एम्प्टी सबसेट है, U और W क्या है, V के नॉन एम्प्टी सबसेट है और साथ के साथ U क्या है, फील्ड F पर सदिश समष्टि है तथा U ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, U ओवर F क्या है, सदिश समष्टि है। इसी प्रकार W भी क्या है, W भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का, और W ओवर F क्या है,
डब्लू ओवर एफ भी सदिश समष्टि है। ठीक है, डब्लू ओवर एफ क्या है? सदिश समष्टि है। अब देखो ये तो आपको जो थ्योरम में दिया गया था वो लिख लिया आपने, कि आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि आपको जो सदिश उप समष्टि होने के लिए क्या क्या आपको जो थ्योरम को सिद्ध करना है उससे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक तो सदिश समष्टि दी गई है, फिर उसके दो सदिश उप समष्टि दी गई है, और सदिश उप समष्टि दी गई तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि U और W क्या है, V के नॉन एम्प्टी सबसेट है, और दोनों के दोनों क्या है, सदिश समष्टि है। किस पर? फील्ड F पर। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि V ओवर F, U ओवर F और W ओवर F का अनुलोम योगफल होगा यदि और केवल यदि V क्या हो, लीनियर सम हो U और W का, और U इंटरसेक्शन W क्या हो, जीरो स्पेस हो या जीरो वेक्टर के बराबर हो। तब हमें, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सम डिफाइन कीजिए। ठीक है, उससे पहले क्या डिफाइन कीजिए, डायरेक्ट सम डिफाइन कीजिए। माना, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आप लिख दीजिए क्या सिद्ध करना है आपको। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि V ओवर F, U ओवर F तथा W ओवर F का अनुलोम योगफल होगा यदि और केवल यदि V क्या हो, लीनियर सम हो किसका, U और W का, और सेकेंड क्या होना चाहिए, U और W का इंटरसेक्शन जीरो वेक्टर के बराबर होना चाहिए, U इंटरसेक्शन W क्या हो, जीरो वेक्टर हो। ठीक है, अब देखिए इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले जो केस है उसको सत्य मानना है, तो उसके बाद आपको सेकंड सिद्ध करना है, तो उसके बाद सेकंड को आपको सही मानना है और फर्स्ट को सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो आप पहले क्या मानोगे, वी ओवर एफ क्या था, यू ओवर एफ और डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल, तो सिद्ध क्या करोगे कि वी लीनियर सम यू और डब्ल्यू का, और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर। फिर सेकंड टाइम आपको करना है क्या है, ग्लोम थ्योरम में मानना है कि वी क्या है, यू और डब्ल्यू का लीनियर सम, और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है, जीरो वेक्टर के बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है कि वी क्या है, यू और डब्ल्यू का डायरेक्ट सम है। ठीक है भाई, तो देखो दैट इज v बराबर डायरेक्ट सम ऑफ u प्लस w इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट v क्या है, लीनियर सम है u प्लस w का, और सेकेंड है कि u इंटरसेक्शन w क्या है, जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, यही सिद्ध करना है आपको। अब देखिए ये सिद्ध करना, तो इससे पहले आप क्या मान लीजिए कि एक केस को सही मानिए और दूसरे को सिद्ध कीजिए। तो आपने मान लिया, माना v u तथा w का, माना v u तथा w का अनुलोम योगफल है, माना v u तथा w का अनुलोम योगफल है, दैट इज v क्या है, डायरेक्ट सम है u प्लस W का। ठीक है, V क्या है, डायरेक्ट सम है U प्लस W का। तब आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट V क्या है, लीनियर सम है U प्लस W का, और सेकेंड U इंटरसेक्शन W क्या है, जीरो वेक्टर के बराबर, U इंटरसेक्शन W क्या है, जीरो वेक्टर के बराबर है। अब देखिए आपने डायरेक्ट सम मान लिया, तो डायरेक्ट सम तो को डिफाइन कीजिए, आपने मान लिया कि V क्या है, डायरेक्ट सम है U प्लस W का, तो उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, अब V बराबर क्या है, U प्लस W। ठीक है, v क्या है, डायरेक्ट सम है u प्लस w, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन करोगे v बराबर u प्लस w बराबर स्मॉल u प्लस स्मॉल w सच डेट
स्मॉल यू तो बिलोंग्स करेगा कैपिटल यू को और स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा कैपिटल डब्ल्यू को, ठीक है, इसको बिलोंग करेगा स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको अब निश्चित करना है कि वी लीनियर सम है यू और डब्ल्यू का, ठीक है, और क्या नाम से यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या शो करना है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को शो करना है जीरो वेक्टर के बराबर। तो आप क्या कीजिए, एक वेक्टर मानिए वी का जो कि क्या है, लीनियर सम है यू और डब्ल्यू का, ठीक है। तो माना माना एक्स वी का कोई स्वेच्छावयव, माना एक्स वी का कोई स्वेच्छावयव है, ठीक है, एक्स क्या है, वी का कोई स्वेच्छावयव है, दैट इज ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, देखो दैट इज ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, देखो, ठीक है। सिंस ईच एक्स अगर वी को बिलोंग कर रहा है और वी क्या है, डायरेक्ट सम है यू प्लस डब्ल्यू का, वी क्या है, डायरेक्ट सम है यू प्लस डब्ल्यू का, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू तथा स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, इस प्रकार अद्वितीय रूप से, इस प्रकार से होंगे, अद्वितीय रूप से इस प्रकार विद्यमान होंगे, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि एक्स बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, कि एक्स बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया आपका, ये इस प्रकार से होंगे कि एक्स बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, जहां पे ईच स्मॉल यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, और ईच स्मॉल डब्ल्यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल डब्ल्यू का। अब देखो आपको सिद्ध करना है वी बराबर यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, आपको ये भी सेट है कोई और ये भी सेट है, कोई भी दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं, जब एक तो सबसेट हो दूसरे का और दूसरा सबसेट हो पहले का, कहने का मतलब है कि सेट वी यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा यदि वी का प्रत्येक एलिमेंट यू प्लस डब्ल्यू में हो और यू प्लस डब्ल्यू का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, वी में हो, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं सिंस यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वी का, सिंस यू नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का और डब्ल्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, तो इन दोनों का लीनियर सम भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वी का, देयरफॉर यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा वी का, और कैसा, नॉन एम्प्टी, कहने का मतलब है यू प्लस डब्ल्यू का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, वी में है। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि वी किसका सबसेट होना चाहिए, यू प्लस डब्ल्यू का, ठीक है। तो देखिए सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू वी, सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू वी, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर यू प्लस डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तथा ईच यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, और ईच स्मॉल डब्ल्यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल डब्ल्यू का, ठीक है भाई, ईच स्मॉल यू तो डब्ल्यू एलिमेंट है कैपिटल यू का, और ईच स्मॉल डब्ल्यू एलिमेंट है कैपिटल डब्ल्यू का, ठीक है। जब ये यू का एलिमेंट है, ये डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो यू प्लस डब्ल्यू किसका एलिमेंट होगा, यू प्लस डब्ल्यू एलिमेंट होगा कैपिटल यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू का, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू का, ठीक है। ये एलिमेंट है इसका, तो ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा यू प्लस डब्ल्यू का, किसका एलिमेंट होगा, ये एक्स आर्बिट्री एलिमेंट जो एक्स है वो किसका एलिमेंट होगा, यू प्लस डब्ल्यू का। कहने का मतलब है कि वी का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, यू प्लस डब्ल्यू के अंदर। यहाँ से आपने क्या शो कर दिया, यू प्लस डब्ल्यू किसका सबसेट है, वी का, मतलब यू प्लस डब्ल्यू का प्रत्येक एलिमेंट वी में है, और इसी प्रकार वी का प्रत्येक एलिमेंट यू प्लस डब्ल्यू में है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ईच एक्स बिलोंग्स टू वी के लिए, ईच एक्स बिलोंग्स टू वी के लिए वी किसका सबसेट है, वी सबसेट है यू प्लस डब्ल्यू का। ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू वी के लिए वी किसका सबसेट है, यू प्लस डब्ल्यू का। ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब समीकरण एक और दो से देखिए, समीकरण एक व दो से देखते हो
तो आपको क्या मिल गया, v बराबर u प्लस w। ठीक है, आपको क्या मिल गया, v बराबर क्या है, u प्लस w। ठीक है, तो आपका ये एक पार्ट तो सिद्ध हो गया कि v क्या है, लीनियर सम है u प्लस w का। अब आपको क्या सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध करना है कि दोनों जो सदिश उपसमष्टियां हैं उनमें कौन सा हो गया कॉमन है, उनमें जीरो वेक्टर कॉमन है। ठीक है, कौन सा हो गया कॉमन, उनमें जीरो वेक्टर कॉमन है। तो देखिए सेकंड, इसका पार्ट सेकंड देखिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिद्ध। अब सेकंड देखो, अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि इंटरसेक्शन डब्ल्यू किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का कोई भी आर्बिटरी वेक्टर लीजिए। ठीक है, आर्बिटरी वेक्टर आप कोई सा ले लीजिए, कि आपने ले लिया कौन सा है वो आर्बिटरी वेक्टर एक्स। ठीक है, आपने क्या ले लिया वो वेक्टर आर्बिटरी एक्स ले लिया, और उस एक्स को क्या दिखाना है, जीरो वेक्टर दिखाना है। तो देखिए अब हमें सिद्ध करना है, कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू बराबर जीरो वेक्टर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लीजिए। तो मान लिया आपने, माना यू, माना एक्स यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का, कोई स्वेच्छ अवयव है, क्या है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का कोई स्वेच्छ अवयव है। दैट इज ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, दैट इज ईच एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को। तो सिंस सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, क्योंकि ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, ईच एक्स किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल यू को, तथा ईच एक्स किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल डब्ल्यू को। ठीक है, आप देखो ईच एक्स यू को बिलोंग कर रहा है, ईच एक्स डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो आप एक बार मान लीजिए, सिंस सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, दिस इंप्लाइज एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर एक्स प्लस जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर एक्स प्लस जीरो, जहाँ पे जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, जहाँ पे जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। तथा तथा ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स बराबर जीरो प्लस एक्स, जहाँ पर जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, यू को, जहाँ पे जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, यू को। और आप जानते हैं कि चूंकि यू ओवर एफ डब्ल्यू ओवर एफ क्या है, सदिश समष्टि है। यू ओवर एफ डब्ल्यू ओवर एफ सदिश समष्टि है, तथा तथा वी ओवर एफ क्या है, यू ओवर एफ का, तथा वी ओवर एफ यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का, डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है, डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है, तो ईच एक्स को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तो ईच एक्स बराबर स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। तो ईच एक्स को किस प्रकार लिख सकते हो, स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, जहाँ पे स्मॉल यू का एलिमेंट है कैपिटल यू का, और स्मॉल डब्ल्यू एलिमेंट है कैपिटल डब्ल्यू का। ठीक है, स्मॉल यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, स्मॉल डब्ल्यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल डब्ल्यू का। और ईच एक्स बराबर यू प्लस डब्ल्यू के अद्वितीय, या ईच एक्स को कैसे लिख सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे लिख लो कि ईच एक्स को आप जानते हैं कि तथा यू वी ओवर एफ, यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है। तो ईच एक्स
बिलोंग्स टू वी को यू तथा डब्ल्यू के, यू तथा डब्ल्यू के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो, यू तथा डब्ल्यू के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो, अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है भाई, किसके रूप में व्यक्त कर सकते हो? अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, व्यक्त कर सकते हो। अब देखिए, जब आप इसको अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये एक्सप्रेशन है ये कैसा है? यूनिक। कहने का मतलब है कि एक्स बराबर एक्स प्लस जीरो और जीरो प्लस एक्स है, ये क्या है? ये यूनिक है। ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन कैसा है? ये एक्सप्रेशन यूनिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर ये जो रूप है ये कैसा रूप है? अद्वितीय है। तो देखिए कि जो ये एक्सप्रेशन है ये यूनिक है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि x बराबर क्या होगा? x बराबर x प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस x, ये x बराबर x प्लस जीरो या जीरो प्लस x। ठीक है, चूंकि चूंकि दिया गया चूंकि दिया गया रूप अद्वितीय है, चूंकि दिया गया रूप अद्वितीय है, तो भाई जो आपको रूप दिया गया होगा अद्वितीय है, तो आप क्या लिख सकते हो? है तो x बराबर क्या होगा? x प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस x। x बराबर क्या लिख सकते हो? x प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस x। जब x बराबर x प्लस जीरो है या जीरो प्लस x है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज x क्या होगा? जीरो के बराबर। दिस इम्प्लाइज x क्या होगा? जीरो के बराबर। ये किसका एलिमेंट है? सिंस ईच x बराबर जीरो किसका एलिमेंट है? यू इंटरसेक्शन w का। ईच x बराबर जीरो जो एलिमेंट है वो किसका? यू इंटरसेक्शन w का एलिमेंट है। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो यू इंटरसेक्शन w किसके बराबर होगा? जीरो स्पेस के बराबर होगा या फिर जीरो वेक्टर के बराबर होगा। सो जीरो वेक्टर नहीं, जीरो स्पेस के बराबर होगा, कि जो u और w का जो इंटरसेक्शन आएगा वो किसके बराबर आएगा? जीरो स्पेस के बराबर आएगा। सेकंड जो आपका था वो यही सिद्ध करना था। तो दोबारा से देख लीजिए, आपको सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है कि u इंटरसेक्शन w क्या होगा? जीरो स्पेस के बराबर होगा। तो देखिए, इसको जीरो स्पेस के बराबर शो करने के लिए आपको u इंटरसेक्शन w का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लीजिए। तो आपने वो आर्बिट्री एलिमेंट कौन सा ले लिया? x। ये माना x क्या है? u इंटरसेक्शन w का कोई स्वेच्छ अवयव है। दैट इज ईच x क्या है? किसको बिलोंग कर रहा है? u इंटरसेक्शन w को। अब देखो, सिंस ईच x u इंटरसेक्शन w को बिलोंग कर रहा है, तो ईच x u को भी बिलोंग करेगा और ईच x w को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो ईच x w को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो? x बराबर x प्लस जीरो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये जो एलिमेंट है दिए हैं आपने, ये जो एलिमेंट x लिया, ये किसका एलिमेंट है? u का। u किसका सबसेट है? v का। u किसका सबसेट है? v का सबसेट है। u जो आपको सबसेट दिया गया है वो u किसका सबसेट दिया गया है? आपको u सबसेट दिया गया है v का। ठीक है, u v का सबसेट दिया गया है, तो u v के प्रत्येक एलिमेंट को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? v के प्रत्येक एलिमेंट को u और v के किसी भी अवयव के डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो आप? कि जो भी प्रत्येक एलिमेंट है v का, उस v के प्रत्येक एलिमेंट को u और w के किसी अवयव के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो। इसी प्रकार ईच एक्स किसका एलिमेंट है? w का एलिमेंट है। ईच एक्स w का एलिमेंट है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ये किसका एलिमेंट होगा? ये एलिमेंट होगा v का। ठीक भाई, किसका एलिमेंट होगा? v का। क्यों होगा? क्योंकि w किसका सबसेट है? w सबसेट है v का। w v का सबसेट है, ये x v का एलिमेंट हो गया। ये x v का एलिमेंट हो गया, तो x को क्या लिख सकते हो?
जीरो प्लस एक्स के रूप में, मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट को यू और डब्ल्यू के यू और डब्ल्यू के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो। और जब अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो तो ये एलिमेंट किसको हो जाएगा, यू प्लस डब्ल्यू को हो जाएगा। जहाँ पे ये जीरो किसका एलिमेंट है, जहाँ पे ये जीरो एलिमेंट है यू का, ठीक है, किसका एलिमेंट है ये जीरो, यू का एलिमेंट है। अब देखिए सिंस यू ओवर है तो डब्ल्यू ओवर एफ क्या है, सदिश समष्टि है, ये तो आपको पता है सदिश समष्टि है कि जब तभी तो जीरो वेक्टर किस में बिलोंग कर रहा है, यू और डब्ल्यू में, ठीक है। और बी ओवर एफ क्या है, यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का क्या है, अनुलोम योगफल है। अनुलोम योगफल है तो आप क्या कह सकते हो कि वी के प्रत्येक आर्बिटरी एलिमेंट को यू तथा वी के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो। क्या किस प्रकार से लिख सकते हो कि वी का जो भी आर्बिटरी एलिमेंट है उसको यू और डब्ल्यू के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। डेट इज एक्स बराबर यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे स्मॉल यू तो किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, और स्मॉल डब्ल्यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल डब्ल्यू का। लेकिन आपको पता है कि जो रूप दिया गया है, क्योंकि दिया गया जो रूप है वो कैसा रूप है, अद्वितीय है, तो आप क्या कह सकते हो कि x किसके बराबर, x प्लस जीरो के। देखो ये ना x बराबर x प्लस जीरो, और x क्या है, जीरो प्लस x के भी बराबर है, तो मतलब तीनों बराबर होंगे कि x बराबर x प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस x, ठीक है। आप देखो जब x बराबर x प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस x है, रूप अद्वितीय है, तो आप क्या कह सकते हो कि x किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, जीरो के। लेकिन आपको पता है कि ईच जो x है, ईच जो x है वो क्या है, जीरो के बराबर, और ये किसका एलिमेंट है, ये है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का एलिमेंट। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का यू इंटरसेक्शन जो डब्ल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो स्पेस के बराबर आएगा। कहने का मतलब है दोनों में कौन सा वेक्टर कॉमन है, दोनों में सिर्फ जीरो वेक्टर कॉमन है। यह आपका जो सेकंड पार्ट था वो सिद्ध हो चुका, क्या कि अगर v u और w का डायरेक्ट सम है तो क्या आवश्यक शर्त यह है, आवश्यक एकमात्र प्रतिबंध यह है कि v क्या होगा, u और w का लीनियर सम, और u इंटरसेक्शन w क्या होगा, जीरो स्पेस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट तो हो चुका। अब इसके बाद देखो सेकंड पार्ट, इसका कन्वर्सली देखो, इसका कन्वर्सली पार्ट देख लीजिए आप, सेकंड है कन्वर्सली, ठीक है, या फिर बिलोंग्स है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको मानना है कि वी क्या है, यू और डब्ल्यू का लीनियर सम, और साथ के साथ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है, जीरो स्पेस के बराबर है। और सिद्ध क्या करना है कि वी क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा यू और डब्ल्यू का, ठीक है। तो देखिए माना वी यू और डब्ल्यू का, माना वी यू और डब्ल्यू का रैखिक योग है, माना v u और w का रैखिक योग है। दैट इज v बराबर स्मॉल u प्लस v बराबर कैपिटल u प्लस कैपिटल w, तथा u इंटरसेक्शन w बराबर क्या है, जीरो स्पेस है, तथा u इंटरसेक्शन w बराबर जीरो स्पेस। तब आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है के वी ओवर एफ, वी ओवर एफ, यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का क्या है, वी ओवर एफ, यू ओवर एफ तथा डब्ल्यू ओवर एफ का अनुलोम योगफल है, अनुलोम योगफल है, ठीक है भाई। क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है कि जो सदिश समष्टि v ओवर f है, ये क्या है, u ओवर f तथा w ओवर f का क्या है, अनुलोम योगफल है। अब अनुलोम योगफल शो करना है, मतलब क्या शो करना है कि v के प्रत्येक आर्बिटरी वेक्टर को आप किसके अद्वितीय, किसके अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो, u और w के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो। मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, v का कोई सा भी आर्बिटरी एलिमेंट लीजिए और उस आर्बिटरी एलिमेंट को u और w के अद्वितीय अवयवों के u और w के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो। ये शो करना है आपको, आपको क्या शो करना है कि जो v का प्रत्येक एलिमेंट होगा उसको u और w के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए
इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा यह सिद्ध करना होगा कि V ओवर F का प्रत्येक अवयव U ओवर F व W ओवर F के अवयवों के अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सके ठीक है, व्यक्त किया जा सके। अब देखो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, v का आर्बिट्री एलिमेंट लो और उसको u और w के अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में डिफाइन कर दो। ठीक है, अद्वितीय योग के रूप में डिफाइन करना और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो, अब आपको अद्वितीय योग के रूप में अवयव दिखाना है v का, तो v का कोई आर्बिट्री एलिमेंट लीजिए, v का आप आर्बिट्री एलिमेंट लीजिए माना x v का कोई स्वेच्छा अवयव इस प्रकार है कि x बराबर क्या है स्मॉल u1 प्लस स्मॉल w1 तथा x बराबर क्या है स्मॉल u2 प्लस स्मॉल w2। ठीक है, आपने जो x माना है वो क्या माना है कि v का कोई स्वेच्छा अवयव जो किस प्रकार से है कि x बराबर है स्मॉल u1 प्लस स्मॉल w1 और x बराबर स्मॉल u2 प्लस स्मॉल w2। ठीक है, जहां पे u1 और u2 क्या है, जहां पे u1 और u2 का एलिमेंट है कैपिटल u का और w1 और w2 किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है कैपिटल w के। ठीक है, ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल w के एलिमेंट है। तब आपको कैसे करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन को जो दो एक्सप्रेशन दी गए हैं आपको, इनको अद्वितीय दिखाना है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया रूप क्या है, अद्वितीय है, कि दिया गया रूप अद्वितीय है। ठीक है भाई, कैसे करना है आपको कि जो रूप दिया गया है वो रूप कैसा है, वो अद्वितीय रूप है। क्या हमें सिद्ध करना है कि दिया गया रूप अद्वितीय रूप है। ठीक भाई, अब देखिए अद्वितीय रूप शो करना है तो करना क्या होगा कि x बराबर u1 प्लस w1 को किसके बराबर दिखाना है, u2 प्लस w2 के बराबर दिखाना है। तो देखिए u ओवर f और w ओवर f क्या है, सदिश समष्टि है। तो देखो सिंस u1 u2 किसको बिलोंग कर रहा है, u ओवर f को। ठीक है, और u ओवर f क्या है, u ओवर f सदिश समष्टि है, u ओवर f क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, u ओवर f क्या है, सदिश समष्टि है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि u1 माइनस u2 किसको बिलोंग करेगा, u ओवर f को। ठीक है भाई, कि u1 और u2 तो एलिमेंट है u ओवर f के, u ओवर f सदिश समष्टि है, तो u1 माइनस u2 किसका एलिमेंट होगा, u ओवर f का। तथा स्मॉल w1 व स्मॉल w2 किसका एलिमेंट है, यह है कैपिटल w ओवर f के। और w ओवर f क्या है, W ओवर F है सदिश समष्टि। क्या है, W ओवर F सदिश समष्टि है। तब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि W2 माइनस W1 किसका एलिमेंट होगा, W ओवर F का एलिमेंट होगा। ठीक है, और एक बात हो, X बराबर क्या दिया गया है, चूंकि X बराबर क्या है, X बराबर है U1 प्लस W1 बराबर u2 प्लस w2। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u1 माइनस u2 के रूप में लिख सकते हैं,
यू वन माइनस यू टू बराबर डब्लू टू माइनस डब्लू वन, ठीक है, यू वन माइनस यू टू बराबर डब्लू टू माइनस डब्लू वन, ठीक है। अब देखो u1 माइनस u2 किसका एलिमेंट है, u ओवर f का, u1 माइनस u2 u ओवर f का एलिमेंट है, और u1 माइनस u2 किसके बराबर है, w2 माइनस w1 के, ठीक है। तो w2 माइनस w1 किसका एलिमेंट हो जाएगा, w2 माइनस w1 एलिमेंट हो जाएगा किसका, u ओवर f। दिस इंप्लाई w2 माइनस w1 किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा u ओवर f का, ठीक है। और w2 माइनस w1 ऑलरेडी पहले ही एलिमेंट किसका है, W ओवर F का, भाई W2 माइनस W1 तो W ओवर F का एलिमेंट है। एक बात देखिए, U1 माइनस U2 बराबर W2 माइनस W1, U1 माइनस U2 किसका एलिमेंट है, U ओवर F का, तो W2 माइनस W1 भी किसका एलिमेंट हो, U ओवर F का। तो इन दो इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ से, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ से देखिए, तो आप क्या देखते हो, समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन व चार से, ठीक है। तो W2 माइनस W1 किसका एलिमेंट है, W2 माइनस W1 एलिमेंट है U इंटरसेक्शन W का, और आप जानते हैं तथा हम जानते हैं U इंटरसेक्शन W किसके बराबर है, जीरो स्पेस के बराबर, तथा हम जानते हैं कि U इंटरसेक्शन W किसके बराबर है, जीरो स्पेस के, तथा हम जानते हैं कि U इंटरसेक्शन W बराबर जीरो स्पेस। तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि W2 माइनस W1 किसके बराबर होगा, W2 माइनस W1 बराबर होगा जीरो के, ठीक है, W2 माइनस W1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसको आप ऐसे करिए, इस इक्वेशन को आप फोर मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप फाइव, ठीक है, इसको कौन से मान लीजिए, फाइव मान लीजिए। तो समीकरण तीन में पांच से स्मॉल डब्ल्यू टू माइनस स्मॉल डब्ल्यू वन किसको बिलोंग कर रहा है, यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू को, तथा हम जानते हैं कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है, जीरो स्पेस के बराबर है, तथा हम जानते हैं कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू बराबर क्या है, जीरो स्पेस है। तो आप क्या लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज स्मॉल डब्ल्यू टू माइनस स्मॉल डब्ल्यू वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर, और जब ये जीरो के बराबर है तो डब्ल्यू टू किसके बराबर है, डब्ल्यू वन के, ठीक है। W2 माइनस W1 जीरो के बराबर है, और आपको पता है W2 माइनस W1 क्या है, समीकरण चार से U1 माइनस U2, तो आप इसको लिख सकते हो, सिंस W2 माइनस W1 बराबर है जीरो, तथा समीकरण चार से, तथा समीकरण चार से W2 माइनस W1 किसके बराबर है, U1 माइनस U2 के, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि U1 माइनस U2 क्या होगा, जीरो, और जब U1 माइनस U2 जब जीरो के बराबर होगा तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि U1 बराबर क्या होगा, U2, U1 बराबर क्या होगा, U2 होगा, और U1 बराबर U2 है, W1 बराबर W2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, समीकरण छः व सात से, समीकरण छः व सात से, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि U1 प्लस W1 बराबर U2 प्लस W2, ठीक है, U1 प्लस W1 किसके बराबर है, U2 प्लस W2 के बराबर है। और आप यहाँ पे लिख लो कि माना, आप यहाँ पे लिख लो कि माना U1 प्लस W1 किसके बराबर, U2 प्लस W2 के। अब देखो U1 प्लस W1 U2 प्लस W2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है X के, तो आप क्या लिख सकते हो, X बराबर U1 प्लस W1 बराबर U2 प्लस W2, ठीक है। X को क्या लिख सकते हो कि X किसके बराबर है, U1 प्लस W1 के बराबर है, और U2 प्लस W2 के बराबर है। मतलब जो दिया गया रूप है वो कैसा रूप है, अद्वितीय रूप है, क्योंकि दिया गया रूप क्या है, क्योंकि या तो चूंकि नहीं, ऐसे देखो आता है दिया गया रूप, आता है दिया गया रूप अद्वितीय है, आता है दिया गया रूप अद्वितीय रूप है, ठीक है, कैसा रूप है, अद्वितीय रूप है, दैट इज ईच एक्स बिलोंग्स टू वी को, दैट इज ईच एक्स बिलोंग्स टू वी को यू तथा डब्ल्यू के, यू तथा डब्ल्यू के अवयवों के, अवयवों के अद्वितीय, अवयवों के
अद्वितीय योग के रूप में अवयव के अद्वितीय योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वी के प्रत्येक एलिमेंट को, तो आप क्या कह सकते हो कि अतः वी स्मॉल यू तथा डब्लू का, अतः वी स्मॉल यू तथा डब्लू का अनुलोम योग पर है, अतः स्मॉल वी सो कैपिटल वी यू तथा डब्लू का अनुलोम योग पर है। ठीक है भाई, ये जो आपकी थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट होती होगी। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 आपका कंप्लीट होता होगा। जो भी वीडियो जाएंगे वो आने वाले सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है, आपको जितनी भी वीडियो हैं वो सभी इस पर मिलेंगी, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप आने वाले सभी वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।